सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग का एग्जाम फॉर्म कब से भराया जा रहा है ये आप सभी लोगों को पता है और कब लास्ट डेट है यह भी आप लोग के लिए जाना बहुत जरूरी है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अगर अभी तक अपना एग्जाम फॉर्म नहीं फिल किया है वो लोग प्लीज फिल कर लें। और इसके अलावा कौन कौन से प्रशिक्षुओं को कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप देखिए, 6 जनवरी को ये लेटर जारी किया गया था पीएनपी सचिव की तरफ से सभी डीलर संस्थानों को। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बताया गया था कि सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे 9 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक कंडक्ट कराए जाएंगे। और आप लोग के जो एग्जाम फॉर्म है वो 10 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो प्लीज आप लोग फिल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि मैम अभी तक एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कराया गया है। तो अगर एग्जाम फॉर्म आप नहीं फिल करोगे तो आप एग्जाम कैसे दोगे? तो एग्जाम फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। और कौन से प्रशिक्षुओं को कौन सा एग्जाम फॉर्म फिल करना है, हम तैयारी कैसे करा रहे हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर होने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जिन भी प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेमेस्टर क्लियर है, सेकेंड सेमेस्टर जिसका भी क्लियर है, उन प्रशिक्षुओं को केवल थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल करना है। ये बात आप सभी को क्लियरली पता है, केवल थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में जिनका एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग गया है वो अपना सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भी फिल करेंगे, प्लस थर्ड सेमेस्टर का भी फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि उनका सेकेंड का जो बैक है वो पेपर और थर्ड सेमेस्टर का पूरा पेपर उनको देने को मिलेगा। तो जिनका बैक है वे प्रशिक्षु अपने बैक की तैयारी करेंगे और थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों की तैयारी करेंगे। तो सेकेंड और थर्ड दोनों का ही फॉर्म भरेंगे ऐसे प्रशिक्षु जिनका एक बार फिर से बैक लग गया है। और फोर्थ सेमेस्टर में जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा है उनको केवल फोर्थ सेमेस्टर के उन्हीं विषयों का पेपर देना है, या फोर्थ सेमेस्टर में जिनका एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है उनको उन्हीं विषयों का पेपर देना है, तो उनको भी फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जिन प्रशिक्षुओं का फोर्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हो गया, यानी कि 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, उनको फोर्थ सेमेस्टर के सारे पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, फोर्थ सेमेस्टर में एक या दो सब्जेक्ट में जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है या सेमेस्टर बैक हुआ, वे कंफ्यूज है क्या उनको थर्ड सेमेस्टर के भी सारे पेपर देने हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के नंबर के आधार पर आप लोगों को थर्ड प्रमोट करके फोर्थ में भेजा गया था। तो जिनका भी फोर्थ सेमेस्टर में एक या दो सब्जेक्ट में बैक है या फोर्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक है, वो लोग केवल और केवल फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, ना कि थर्ड सेमेस्टर के। तो थर्ड सेमेस्टर से आप लोग का कोई लेना देना नहीं है। जिनका भी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है या सेमेस्टर बैक है उनको केवल अपने फोर्थ सेमेस्टर पर फोकस करना है। एक या दो सब्जेक्ट में बैक है तो सिर्फ उन सब्जेक्ट का तैयारी करना है, और अगर आपका सेमेस्टर बैक हुआ है तो आपको आपको सारे के सारे विषयों की तैयारी करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इन्हीं 3 सेमेस्टर्स के पेपर होने हैं। तो आप लोग तैयारी अपनी बेहतर रखिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। और कल 17 जनवरी है, कल आपका जो एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, अपने कॉलेज में जाकर के फॉर्म फिल करा लीजिए। आज तो संडे है तो आज तो फॉर्म फिल होगा नहीं, कल हर हाल में आप लोग करा लीजिए, क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं फिल कराया तो फिर एग्जाम आप नहीं एग्जाम में आप बैठ ही नहीं पाओगे, आप एग्जाम कैसे दे पाओगे। तो एग्जाम फॉर्म प्लीज आप लोग फिल कर लीजिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है एग्जाम फॉर्म फिल करने में, आपके कॉलेज वाले समस्या उत्पन्न कर रहे हैं या कॉलेज वाले नहीं भरा रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोज की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, और सारे वीडियोज को ऐसे ही देखते रहिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके सारे वीडियोज की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे के सारे वीडियोज की लिंक मिल जाएगी। तो सारे विषयों की वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, और कोई भी समस्या आएगी तो हमसे बताते रहेंगे। दोस्तों, आपको सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर की क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। हमने सारे के सारे क्लासेस हैंड रिटन नोट्स में बनाई है, अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं। तो आपको इन सभी नोट्स को पढ़ना चाहिए। अगर वाकई में आप चाहते हो एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आए, तो प्लीज आप इन वीडियोस को देखिए, मास्टर वीडियोस को देखिए, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।